बस अब बहुत हो गया, 1000 सब्सक्राइबर पूरा नहीं हो रहा, 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा है, हमारा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है, इस तरह का कमेंट पढ़ पढ़ के हमारा दिमाग खराब हो चुका है। बहुत सारे लोग परेशान है जिनके चैनल में 1000 सब्सक्राइबर पूरा नहीं हुआ है, 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ है। सभी लोग के लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज है, बहुत बड़ा खुशखबरी है दोस्तों। इस चैनल को देखो हर एक रिफ्रेश में किस तरीके से सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से आपके भी चैनल में सब्सक्राइबर बढ़ने वाला है। आपके चैनल में 4000 घंटे का वॉच टाइम क्यों नहीं पूरा हो रहा था, 1000 सब्सक्राइबर क्यों नहीं पूरा हो रहा था, क्योंकि आपका वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहा था, ना आपका वीडियो वायरल हो रहा था। जब आपका वीडियो वायरल नहीं होगा तो आपका चैनल पे सब्सक्राइबर वॉच टाइम कहां से बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों अब आपके वीडियो पे व्यूज आने वाला है, कैसे आएगा, क्योंकि YouTube ने दो सेटिंग को लाया है। पहला नंबर ये वाला सेटिंग है, देख सकते हो, रिकमेंड सेटिंग। रिकमेंड सेटिंग को ऑन करोगे तो आपका जो वीडियो है ना वो आगे तक रिकमेंड करने लगेगा, जिससे आपके वीडियो पे व्यूज आना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोग को ये नहीं मालूम है कि रिकमेंड का मतलब क्या होता है, अभी आपको मैं समझाता हूं। मेरे इस वीडियो पे 1.2 मिलियन व्यू है, इतना ज्यादा व्यू कहां से आया, YouTube ने इस वीडियो को रिकमेंड किया। अभी आपको दिखा देता हूं, देखो इस वीडियो पर ज्यादातर व्यू आपको ब्राउज फीचर से दिखाई दे रहा होगा, सर्च से व्यू नहीं है, ब्राउज फीचर से व्यू है। ब्राउज फीचर में जब आपके वीडियो को YouTube रिकमेंड करेगा तो ही आपके वीडियो पे इतना ज्यादा व्यू मिलियन में आ पाएगा। हमारे इसी वीडियो को नहीं, इस वीडियो को भी देख लो, इस वीडियो पे भी मिलियन में व्यू है, इस वीडियो पे भी ज्यादातर व्यू आपको ब्राउज फीचर से दिखाई दे रहा होगा। जब आपके वीडियो को YouTube आगे तक रिकमेंड करेगा ब्राउज फीचर में तो जाके आपके वीडियो पे मिलियन में व्यू आएगा, लेकिन आपका वीडियो पे रिकमेंड में व्यू आता ही नहीं है तो आपका वीडियो सर्च में कहां जाएगा, व्यू से नहीं आएगा तो सब्सक्राइबर वॉच टाइम कहां से बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों इस सेटिंग को भी ऑन करो, अभी आपको बताऊंगा इस सेटिंग ऑन कैसे करना है, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारा अपडेट है जो कि आपको इस वीडियो में पूरा कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना, अगर इस वीडियो को देख लेते हो तो आपका चैनल को ग्रो होने से कोई भी नहीं रोक सकता। उससे पहले हम यहां पर विनर देख लेते हैं, ये भाई जी विनर है, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आप भी चाहते हो अपने चैनल को प्रमोट करना तो इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो के अंदर एक प्यारा सा कमेंट कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अगर इतना काम आप करते हो तो नेक्स्ट दिन आपके चैनल को प्रमोट कर दिया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों साइड में स्क्रीन पे देखो, अभी आपके सामने मैं सेटिंग को ऑन करने जा रहा हूं, अगर ये सेटिंग को आप भी ऑन कर देते हो तो आपके वीडियो पे व्यूज आना स्टार्ट हो जाएगा, आपका वीडियो वायरल होना स्टार्ट हो जाएगा। ईमानदारी पूर्वक की सेटिंग को एकदम ध्यान से देके ऑन अपने चैनल पे कर देना, तभी आप अपने चैनल को ग्रो कर पाओगे। आपको क्रोम ब्राउजर को ऑन करना है, क्रोम ब्राउजर को ऑन करने बाद आपको सर्च पे जाकर लिखना है studio.youtube.com, studio.youtube.com लिख के सर्च करोगे तो यूट्यूब आपका डेस्कटॉप मोड में ऑन हो जाएगा, बिल्कुल इस तरीके से ऑन हो चुका है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, एकदम ध्यान से देखो, साइड में यहां पर देखोगे तो कस्टमाइज का आपको चैनल मिलेगा, ये वाला सेकंड नंबर पे नीचे से आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करोगे यहां पर आ जाओगे, यहां पर आने बाद दोस्तों आपको क्या करना है, देखो एक सेटिंग का ऑप्शन आपको मिलेगा, यहां पर क्या लिखा रहा है, रिकमेंड फॉर योर व्यूअर्स, यानी कि यहां पर एक सेटिंग आया है जो कि ना आपके जो व्यूअर होंगे ना उसके पास आपके वीडियो को यूट्यूब रिकमेंड करेगा, जिससे आपका वीडियो वायरल 100% होना ही होना है। ठीक है, देखो फॉर यू के नाम से ये सेटिंग है, आपको साइड में यहां पर आना है इस तरीके से। देखो ये सेटिंग मेरा ऑफ है, ऑफ है, आपका भी ये सेटिंग ऑफ होगा, इसको आपको इस तरह से टिक करके ऑन कर देना। देखो मैं ऑन कर दिया, अब मैं सेटिंग ऑन किया, इससे हुआ क्या, जो हमारे व्यूअर है उसके पास हमारे वीडियो को यूट्यूब रिकमेंड करेगा, ये सेटिंग को सारे लोग को ऑन कर ले। दोस्तों सेटिंग को ऑन करने बाद आप समझ लो सेकंड अपडेट जो कि सारे यूट्यूबर सारे क्रिएटर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि YT स्टूडियो ऐप के अंदर आया हुआ है। YT स्टूडियो ऐप के अंदर जाओगे तो ऑडियंस टैब आपको मिलता है, ऑडियंस टैब पे आपको बहुत सारे चीज को अपडेट करके पैटर्न बना दिया गया है, जो पैटर्न को अगर आप लोग समझते हो तो आपका चैनल को ग्रो होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अब पैटर्न कैसे बनाया गया, क्या पैटर्न है, ये चीज आप लोग समझो। दोस्तों यहां पर देखो आपको मैं दिखा देता हूं, यहां पर क्या चीज है ना कि जो आप ऑडियंस है आप ऑडियंस का टाइमिंग समझ सकते हो कि आपके ऑडियंस कब एक्टिव हो रही है, जिस तरह का कंटेंट आप अपलोड कर रहे हो उस तरह का कंटेंट आपका चैनल पे कब और किस टाइम पे चलेगा। अगर ये चीज को आप लोग समझ लोगे तो आपका चैनल को ग्रो होने में बहुत ज्यादा मदद आपको मिलेगा। उसके बाद में एक अपडेट और है जिसमें आप लोग लॉन्ग वीडियो शॉर्ट वीडियो या तो लाइव का भी पता कर सकते हो कि तीनों चीज में आपके चैनल पे कौन सा चीज ज्यादा चल रहा है। और जो चल रहा है मान लो एग्जांपल में आपके चैनल पे शॉर्ट्स ज्यादा चल रहा है तो शॉर्ट्स चल रहा है उस पर क्लिक करोगे ना तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि शॉर्ट की ऑडियंस आपकी कब एक्टिव होती है, कब आपको शॉर्ट डालना चाहिए, किस तरह का शॉर्ट आपको डालना चाहिए, यह सारा कुछ आपको YT स्टूडियो ऐप के अंदर पता चल जाएगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी अपने चैनल को ग्रो करने में। दोस्तों ये सारा अपडेट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, ये अपडेट YouTube की तरफ से आया हुआ है इसलिए अपडेट को सभी लोग को जानना जरूरी है। इस अपडेट को सारे लोग को शेयर कर देना जो YouTube पर काम करता है। इस वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर लेना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं इसका कमाल सा फ्रेश वीडियो नेक्स्ट वीडियो।